तो अभी हम आ गए हैं गांधी दर्शन म्यूजियम, और यहाँ पे एक शिल्पी बाजार भी चल रही है 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। आज पहला दिन है मोदी जी अपने क्योंकि पानी पानी यहाँ पे दिखाया गया क्या क्या है। पेंटिंग्स है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, पेपर क्राफ्ट सब है। चलिए अंदर जल्द के दिखा दो आपको मैं क्या क्या है। यह है इसका मेन एंट्री गेट। कुछ एंट्री फीस नहीं है गांधी जी की प्रतिमा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। यहाँ पे सब अलग अलग पिक्चर्स है गांधी जी के लाइफ टाइम के लिए, जब गांधी जी लॉयर थे वहाँ पे, जो साउथ अफ्रीका में थे और जब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गांधी जी के बचपन की फोटो है, उनकी लाइफ। गांधी जी के माता और पिता, उनके मित्र, गांधी जी की पत्नी, सो इस तरह से उनके लाइफ के बारे में जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, और जितना हो सके ओल्ड पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई है। और ये सारे रियल फोटोज़ हैं जो मोस्टली आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे और शिल्प मेला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आज इसका स्टार्टिंग है इसलिए इतने स्टॉल्स लगे नहीं हैं, शाम तक या कल तक सारे स्टॉल्स लग जाएंगे। तो ये जो प्लेस है शिल्प मेला जहाँ हो रही है उस तरफ गए थे हम राजघाट, उसके सामने उसके ऑपोजिट की तरफ ही है। और यहाँ के बाद यहाँ पे उस तरफ गांधी जी का म्यूजियम है जहाँ पे गांधी जी रहते थे, वो भी जाएंगे हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग जो क्राफ्ट्स है हाथ से बनाए हैं, सब कुछ है। मतलब अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं जो, तो वो सब स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको जाके दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। कपड़े लगे हुए हैं, शायद शाम में कुछ प्रोग्राम भी होगी यहाँ पे स्टेज पे। मैं जिस होम टाउन से बिलोंग करता हूँ आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा ही होगा, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, मतलब एग्जीबिशन होते हैं अलग तरह के। तो उस तरह का एग्जीबिशन है या शिल्प मेला है, पेंटिंग्स है। उस तरफ खाने के स्टॉल्स है, फिर आइसक्रीम है यहाँ पे, सॉफ्टीज एंड ऑल। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि आज स्टार्ट डे है तो इसलिए बहुत सारे स्टॉल्स खाली दिखेंगे आपको, शाम तक या कल सुबह तक सारे स्टॉल्स लग जाएंगे यहाँ पे। यह है बलून, ये सब खाने के स्टॉल्स, दीदी का ढाबा, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे। यहाँ पे है ये सारे शिल्प के स्टॉल्स, यहाँ पे फूड स्टॉल्स है सारे। तो मेनली इस एरिया में म्यूजियम नहीं है, इस एरिया में सारे मतलब खाली जगह, इसलिए यहाँ पे स्टॉल्स लगे, स्टॉल्स होती है मतलब मेलाएं होती है या फिर एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे इस खाली जगह पे।
पे जितने भी स्टॉल्स थे इस जगह में जो भी है, तो म्यूज़ियम इस तरफ से नहीं है, म्यूज़ियम का रास्ता उस तरफ से। तो अभी हम नेक्स्ट म्यूज़ियम जाएंगे आपको दिखाता हूँ। तो इस व्लॉग को यहाँ ही एंड करता हूँ क्योंकि छोटी सी जगह है यहाँ पे, मेला हो रहा है जहाँ पे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। We'll be right back.